हेलो दोस्तों, मैं हूँ सरिता। आप सबका सरितापुरी कुकिंग एट होम किचन में स्वागत है। आज हम लेके आए हैं एकदम न्यू और इजी रेसिपी। आप इसे ब्रेकफास्ट में या फिर इवनिंग में चाय के साथ भी बनाकर सर्व कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इन टेस्टी स्नैक्स को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक छन्नी में 3 कप मैदा डाला है और नमक हमने आधा चम्मच डाला है और इसी के साथ आधा कप हमने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। इसे हम अच्छे से छान लेंगे और उसके बाद हमने इसमें 2 कप पानी ऐड कर दिया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हमने इसमें जो 3रा कप है वो धीरे धीरे करके ऐड करना है। एकदम लम्स फ्री और पतला बैटर तैयार करना है। हमने इसमें 3 कप पानी ऐड कर दिया है और इसकी थिकनेस सेम इसी तरह की रखें, फ्लोइंग होनी चाहिए, ये थिक नहीं होना चाहिए। और इसे अब हम एक प्लेट में छान लेंगे ताकि इसमें थोड़े से भी लम्स वो निकल जाएं। और दूसरी तरफ मैंने ये फ्राइंग पैन लिया है जिसमें हम चाय बनाते हैं। इसे हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। इसे हम उल्टा कर लेंगे और इसके ऊपर हम ऑयल की इस तरह से कोटिंग कर लेंगे और हल्का सा गर्म कर लेंगे लो फ्लेम में। और उसके बाद हमने जो बैटर तैयार किया था उसमें इस तरह से इसको डिप कर लेंगे, बस इसी तरह से, और अच्छे से इसमें हम बैटर लगा देंगे। अब हम इसे एक बार फिर से गैस पर रख देंगे और 1 से 2 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम में पका लेंगे। और 1 से 2 मिनट के बाद इसकी साइड में हम हल्का सा फ्लिप कर लेंगे ताकि इसको आसानी से हम निकाल सकें। और ये देखिए हमारी एक शीट तैयार हो गई है। सेम इसी तरह से हमने ये 3 से 4 शीट्स तैयार कर ली हैं। हम इन शीट्स को दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं। आप एक नॉनस्टिक तवा ले लें और इसे जिस तरह हम डोसे को स्प्रेड करते हैं इसी तरह से हम इवनली स्प्रेड कर देंगे। फ्लेम को हम पहले लो रखेंगे और उसके बाद हम फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और सिर्फ 1 मिनट ही पका लेंगे। 1 मिनट के बाद आप इसे निकाल लें। और इसी तरह से आप इस तरह तवे में बैटर डाल के तवे को इस तरह घुमा कर इवनली इसको स्प्रेड करके भी बना सकते हैं। बस फ्लेम को आप लो ही रखें जब आप इसमें डालें और उसके बाद फ्लेम को मीडियम कर लें। अगर आपको लगे तवा आपका ज़्यादा गर्म हो गया, आप थोड़ा सा पानी इसमें छिड़क दें और तवे को अच्छे से साफ कर लें और उसके बाद इसमें बैटर डालें। इसी तरह से हमने सभी शीट्स को तैयार कर लिया है और आपने देखा होगा हमने सभी शीट्स में ऑयल लगा लिया है। ऑयल लगाना ज़रूरी है ताकि एक दूसरे से चिपके ना। और इसे हम एक कॉटन के कपड़े में लपेट के साइड में रख देंगे ताकि ये सूखे ना। और अब हम इसकी स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए हमने यहाँ पर उबले हुए आलू लिए हैं। थोड़े से आलू को हमने बारीक कट कर लिया है और थोड़े से आलू को हमने मैश कर लिया है। अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे और उसमें हम डाल देंगे 4 चम्मच ऑयल। ऑयल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक, 1 पिंच हल्दी, 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच कसूरी मेथी और 1/2 कप मटर। इन्हें हम 1 मिनट भून लेंगे और उसके बाद अब हम इसमें डाल रहे हैं कटे हुए और मैश किए हुए उबले आलू, थोड़ा सा हरा धनिया, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 चम्मच सूखे धनिया का पाउडर, 1/2 चम्मच चाट मसाला पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर। इन सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम में 1 से 2 मिनट पका लेंगे। और ये देखिए हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है। इसे अब हम साइड में रख देते हैं ठंडा होने के लिए। अब हम इसका फेविकोल तैयार कर लेते हैं। और हमने यहाँ पर मैदा लिया है थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा हमने पानी ऐड किया है। इसे हम इस तरह से, ये देखिए मीडियम थिक, इसकी स्लरी तैयार कर लेंगे। और हमने जो शीट्स तैयार की थी इसके सेंटर से हम इस तरह से कट लगा लेंगे। आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट बनी है। और इस तरह हमने जो फेविकोल तैयार किया है यानी कि स्लरी, इसे हम इस तरह से इसमें लगा लेंगे और इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। हम इसे समोसा की शेप दे रहे हैं, आप कोई भी शेप दे सकते हैं। अच्छे से इसे फेविकोल लगाने के बाद अब हम इसमें स्टफिंग भरेंगे। स्टफिंग को अच्छे से भरने के बाद इसकी साइड्स में भी हम एक बार फिर से स्लरी लगा देंगे। स्लरी लगाने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, नहीं तो फ्राई करते समय ये खुल जाएगा और आपके जो स्नैक्स अच्छे नहीं बनेंगे। और ये देखिए हमारा बढ़िया सा स्नैक तैयार हो गया है। इसी तरह से हम दूसरी शेप भी तैयार कर लेंगे। आप इन शीट से स्प्रिंग रोल्स भी बना सकते हैं और स्टफिंग भी आप अपनी मनचाही बना सकते हैं। और हमने ऑयल को पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था, वो अच्छे से गर्म हो गया है। फ्लेम को हमने अब मीडियम कर लिया है। मीडियम फ्लेम में अब हम इन सभी स्नैक्स को तैयार कर लेंगे। दोनों तरफ से बढ़िया सा गोल्डन कलर आ जाएगा तब हम इन्हें निकाल लेंगे। हमारे टेस्टी स्नैक्स तैयार हैं। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।